काम में हम उनके लिए जान भी देने को तैयार है। अगर वो हमारा मसीहा है, वो हमारे लिए खुदा है, वो हमारा जितना किए उतना कोई नेता नहीं किया, अगर उसने इस्तीफा दिए तो हम भूखे प्यासे रोड पे अपनी जान दे देंगे। कोई नेता इतना काम नहीं किया जो काम हमारे भाई रईस भाई ने किया है, और हमसे हमारे दिल से ये है कि हमारे भाई इस्तीफा ना दे और हिम्मत करके डट के मुकाबला करे। कौन क्या कहता है वो देखेंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन ग्यारंटी में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। आज सुबह से एक खबर काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी, खबर कहेंगे सोशल मीडिया पर, अफवाह कहेंगे, जो भी कहिए उसे, आज सुबह से मालूम पड़ा कि एमएलए रईस शेख इस्तीफा दे सकते हैं। इस चीज़ को लेकर पूरे शहर में आज जो है एक अफरा तफरी सी मच गई और लोगों में चर्चा होने लगी कि एमएलए रईस शेख जो है इस्तीफा देने जा रहे हैं। हालांकि अब तक उस चीज़ का खुलासा नहीं हो पाया है कि वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। और हम आए हैं फिलहाल कोनार गार्केट में, जो समाजवादी पार्टी एमएलए रईस शेख थे उनकी ऑफिस पे। जब हम यहाँ ऑफिस पे आए तो देखे तो काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर ताला मारा हुआ है और पूरी ऑफिस पूरी तरह से बंद है, देख सकते हैं आप किस तरह से। मैं फिलहाल यहाँ पर भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख की ऑफिस पर हूँ, जहाँ पर एक ताला मारा हुआ है और यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है। जैसे जैसे ये अफवाहें और ये बातें जो है शहर में निकलते जा रही हैं, और इस ऑफिस के नीचे कोनार गार्केट पर लोगों का जो है एक भीड़ लगते चले जा रही है और वहां पर काफी तादाद में लोग जमा हो चुके हैं। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो समाजवादी के अध्यक्ष है अबू आसिम आजमी, उनके बीच में और एमएलए रईस शेख बीच में कुछ बातचीत हुई, जिसके कारण जो ये एक बड़ा डिसीजन एमएलए रईस शेख लेने जा रहे हैं, जिसके वजह से पूरे शहर में जो है एक अलग से माहौल बनता हुआ चला जा रहा है। कोनार कार्केट में फिलहाल लोगों का तांता लगता चला जा रहा है और भीड़ लगते चले जा रही है। चलेंगे हम अब नीचे, लोगों से बातचीत करेंगे कि वो किस लिए यहाँ पे जमा हुए थे और क्या रीज़न है। उसी कोनार कार्केट के एमएलए रईस शेख के ऑफिस के नीचे आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ती चले जा रही है। और लोगों का कहना यही है कि जो भी ये डिसीजन लिया गया काफ़ी गलत डिसीजन लिया गया और हमें एमएलए रईस शेख ही चाहिए। चलिए हम लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इस इतने बड़े फैसले को लेकर। मामला देखिए, मुझे भी कुछ ऐसा मालूम नहीं है। मैं जब सुबह उठी तो मैं व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज पढ़ा कि रईस शेख मतलब इस पार्टी लेवल से और एमएलए पद से इस्तीफा दे, तो मुझे ये चीज़ सुन के बहुत बुरा लगा। बुरा लगने के बाद में जब मैं ऑफिस पे आई क्या कंफर्म करने के लिए, देखी तो ये सारी पब्लिक वहाँ पर बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो, तो इन्होंने कहा मुझे कि हमने ऐसा ऐसा पूरा मैसेज हमने सुना लोगों से के मुँह से भी सुना, ये चीज़ बहुत गलत हो रहा मैडम, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर मेरी बात हुई तो फिर मैं बोलने लगी कि ये नहीं नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो इसके बाद अगर उनका एमएलए पद का अगर इस्तीफा मंजूर होता है तो हम ये पूरी लेडीज़ों के साथ में रोड पे बैठ के मोर्चा धरना करेंगे कि उनका इस्तीफा ना मंजूर किया। रईस भाई को हाथ पैर जोर के गिनती कर रही हूँ, जो सामने आए महफिल को उनको क्या तकलीफ है, उनसे तकलीफ क्या, वो फरियाद करें हम लोग के सामने, हम उनके लिए जान भी देने को तैयार है। अगर वो हमारा मसीहा है, वो हमारे लिए खुदा है, वो हमारा जितना किए उतना कोई नेता नहीं किया, अगर उसने इस्तीफा दिए तो हम भूखे प्यासे रोड पे अपनी जान दे देंगे, पर वो हमारे मसीहा हैं। बस इससे ज्यादा एमएलए रईस शेख इस्तीफा दे रहे हैं तो सर खुद सामने आए और रीजन बताएं कि किस वजह से और किस मजबूरी से वो इस्तीफा दे, उनको मजबूर किया जा रहा है या वो किस वजह से किस रीजन से वो इस्तीफा दे रहे हैं। अगर वो इस्तीफा दिए तो हम चक्का जाम करेंगे, रास्ते पे बैठ जाएंगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे। क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों कबूल किया जा रहा है हम नहीं जानते, बस वो इस्तीफा ना दें और कोई वो इस्तीफा कबूल ना करे, हम नहीं मानेंगे। सर खुद सामने आए, एमएलए रईस सर खुद सामने आए कि वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। एमएलए पद से देने वाले, एमएलए पद से देने वाले, आज तक कोई भी भिवंडी में हम यही पैदा हुए यही बड़े हो गए, आज तक हम ये भी नहीं जानते थे कि हमारा एमएलए कौन है, हमने आज तक किसी एमएलए का नाम तक नहीं सुना था। और रईस शेख जब से भिवंडी में आए हैं बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है, तो कोई रीजन है ना इसका, उन्होंने बहुत काम किया है। ये
हमको रईस शेख से जाना है, एमएलए रईस शेख से ही जाना है। सामने आए सर, सामने आए और बताएं क्या रीजन दे, उनको मजबूर किया जा रहा है, उनकी क्या मजबूरी है इस्तीफा देने जी? नहीं सर, अभी तक हमारी कुछ नहीं बात हुई है, हमने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देख के हमें यहाँ पर। रईस भाई हमारे ऐसे मुखिया है कि हम लोगों को आँखों का ऑपरेशन के लिए मेरे साल भर दौड़ी, इसीलिए मेरा सुना नहीं। आज मैं जो तो आंखों से देख रही हूँ, आंखों का ऑपरेशन कराया, हार्ट की दवा दी, मेरे शौहर को भाग गए 15 साल हो गए, मैं 1.25 महीने की बच्ची को लेकर दर बदर भटक रही थी। आज भाई ने मेरे को दवाओं का सहारा दिया, हमारे साथ रह सब पे हाथ रखा, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा सर पुलिस चला जाए। हम तो यतीम थे ही, अब तो बहुत बड़े यतीम हो जाएगा। हम रिक्वेस्ट ये करते हैं रईस भाई से कि हमारा भाई हमारे को छोड़ के कहीं ना जाए, और हम लोग ये मंजूर कर ही नहीं सकते कि वो इस्तीफा दे। अगर हमारे रईस भाई गए तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा। हमको ये जानना है कि पटेल का कौन दामन करना था, और हमारे भाई क्या कौन सी ऐसी मजबूरी आई कि भाई जा रहे हैं? गरीबों के गरीबों के मसीहा बन के आए हैं। आज तक कोई नेता इतना काम नहीं किया जो काम हमारे भाई रईस भाई ने किया है, और हमसे हमारे दिल से ये है कि हमारे भाई इस्तीफा ना दे और हिम्मत करके डट के मुकाबला करें। कौन क्या कहता है वो देखेंगे हम। और ये जो भी मसले है रईस भाई के खत्म हो जाए, वो हमारे लिए बहुत अच्छे है। वो बहुत से काम ऐसे करे, बहुत अच्छा अच्छा काम करे, हम उनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। रईस भाई अगर इस्तीफा दे देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इस्तीफा देने नहीं देंगे, हम लोग धरना मोर्चा निकालेंगे उनके लिए, रोड पे उतर जाएंगे हम लोग सब। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। गुलनिहार। हम लोग बैठे हैं रईस शेख के लिए बैठे, इस्तीफा का हम लोग सुने, हम लोग सोचते हैं रईस शेख इस्तीफा नहीं दे, गाय कि उनके इस एमएलए कोई नहीं है, हर चीज जो काम करते हैं इसके लिए हम लोग बैठे कि इस्तीफा नहीं दे रहे इसे। और अगर इनकेस रईस भाई अगर इस्तीफा दे देते हैं रईस शेख, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐसे धरने पे बैठेंगे। हाँ हमको वही चाहिए, दूसरा एमएलए नहीं चाहिए, वही एमएलए चाहिए, गाय कि वो एमएलए जैसा कोई काम नहीं किया है। स्कूल बनाए, मस्जिद मंदिर हर चीज के लिए वो काम कर रहे हैं, रोड भी वही कर रहे हैं, और हर चीज दवा खाना हर काम वो कर रहे हैं। कोई एमएलए ऐसे आके काम नहीं करके दिया हमको, एम्बुलेंस भी हमको फ्री में देते, दवा भी हमको फ्री में देते, हर चीज भी। इंदिरा देखो हॉस्पिटल में देखो, 10 रुपया पावती भी लगती थी, जब से वो आए 10 रुपया पावती भी नहीं लग रही है। और सोनोग्राफी हम लोग 10-11 बजे से बैठे हैं यहाँ, कब तक बैठे रहोगे? अभी जब तक कोई वो नहीं होगा हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। बताइए रईस भाई अगर इस्तीफा दे देंगे क्या करेंगे आप? हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे धरना देके, हाँ जब तक आखिर में हमको वजह बताए ना, हम सब कुछ वो कर रहे हैं, इतने हम लोग पेशेंट लेके आते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, फ्री में सोनोग्राफी कराते, दवा देते, इतने बड़े बड़े पाउडर के डब्बा देते, और कभी कोई किया है? कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया। इंदिरा में जाओ तुरंत सुनवाई होती है हमारी, कभी नहीं होती थी, बोलते थे निकलो निकलो, मुसलमान की कोई इज्जत ही नहीं होती थी, आज वो इज्जत हमको मिल रही है, तो हमको रईस शेख चाहिए। इंदिरा में देखो एक्सरे सोनोग्राफी सब अब फ्री में हो रही है, नहीं तो सब पैसा, खून टेस्ट सब पैसा लगता था, भले सरकारी था मगर सब पैसा लगता था, आज सब फोकट में हो रहा है उनकी वजह से। नहीं हम लोग नहीं चाहते, हमको रईस शेख ही चाहिए। हाँ यहाँ हम लोग उसी चाहिए सर, कोई भी नहीं करेगा, बहुत ही है रईस भाई, गटर बनाए, रोड का इतना सहूलियत किए, हम लोग के फातिमा नगर में पानी नहीं आता था, पानी की इतना अच्छा सुविधा कर दिए हैं, कोई ऐसा नहीं किया जैसा वो कर रहे हैं, और हम ही रहेंगे। आप कहाँ से आए हो? बनवा दिए हैं, हमारे मोहल्ले में बहुत सी सुविधा किए हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं और आज भी खड़े रहेंगे। आप लोग को कब पता चला इस बात? हम लोग को अभी सुबह में पता चला, तो हम लोग सब जन आ गए। तो आप कब तक रहोगे इसी तरह? हमको हमारा जवाब जब तक नहीं मिलेगा हम ऐसे ही रहेंगे, यहीं पे खड़े रहेंगे, और हम तो रईस भाई के साथ में हमेशा थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे।